वेलकम टू माय चैनल। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, मुझे ये वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट ना करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है वही सीन से जहाँ पर हमारी एलिस एक झाड़ी में छुपी हुई थी, लेकिन एलिस को उनमें से एक लोग देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। और उसी वक्त वहाँ पर हमारे मिखाइल आ जाते हैं एलिस को बचाने के लिए। मिखाइल को देख के तो ये लोग भी चौंक जाते हैं कि क्या प्रिंस मिखाइल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुन के मिखाइल बड़े ही गुस्से से कहता है कि मैंने तुम लोगों की बातों को सुन लिया था और मुझे उसी वक्त कुछ बुरा फील हो रहा था, और इसी वजह से मैंने एलिस का पीछा किया और यहाँ तक चला आया। मैं चाहता था कि मेरा ये सोचना गलत साबित हो, लेकिन तुम लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हो। ये कहते हुए हमारे मिखाइल उस पर अटैक कर देता है और उस सिपाही का शॉट गिर जाता है। तब तक वहाँ पर वो दूसरा आदमी भी आ चुका था। इसके बाद वो लोग प्रिंस मिखाइल से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते हैं कि प्रिंस मिखाइल, अब हमारी बात तो सुनिए, हम लोग ये सब कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, हम लोग चाहते हैं कि आप ही राजा बने। आप चिंता मत करिए, ये सब गंदे काम हमारे हाथों से होगा, आपको इस बारे में चिंता करना नहीं पड़ेगा। इन लोगों की ये बकवास बातें सुन के हमारे मिखाइल तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि तो फिर क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इस वजह से एलिस को मरना होगा। फिर वो और भी ज्यादा गुस्से में आके कहता है कि अगर तुम एलिस को थोड़ा सा भी चोट पहुंचाए तो तुम लोगों को बहुत ही बड़ा पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। हमारे मिखाइल यहाँ पर थोड़ा सा हीरोइक डायलॉग दे ही रहा था कि तभी वहाँ पीछे से कुछ गुंडे टाइप के लोग चले आते हैं और वो लोग कहते हैं कि अगर हम एलिस को नहीं मारेंगे तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हमें एलिस को मारना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे मिखाइल ऐसा होने देगा? नहीं ना, तो वो वैसा ही करता है। हमारे मिखाइल बड़े ही आसानी से उन सब गुंडे लोगों को हरा देता है। ये सब देख के बाकी लोग भी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमारे मिखाइल दौड़ के एलिस के पास जाता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी एलिस बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन हमारी एलिस तो एलिस है, वो खुद को संभाल लेती है और कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, हमें राजा के पास चलना चाहिए। ये सुन के मिखाइल भी उसे ले जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें राजा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी एलिस आती है और हमारे राजा को चेक करती है। यहाँ पर सभी लोग सिर्फ एक ही बातों को सोच रहा था कि राजा के साथ प्रॉब्लम क्या है, असल में राजा को ऐसा हो क्यों रहा है, अचानक से तबीयत खराब होने की वजह क्या है। इसलिए हमारी एलिस पार्टी के उस वक्त को सोचने लगती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। राजा ने ड्रिंक को पिया, फिर वो अचानक से ब्लड वॉमिटिंग करने लगे। ये सब सोचते हुए हमारी एलिस को कुछ ख्याल आता है। उस वक्त हमारे डॉक्टर गुड़ाहम एलिस से कहता है कि रोज़, क्या हमें क्राउन प्रिंस को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए। सिर्फ डॉक्टर गुड़ाहम ही नहीं, उसके साथ डॉक्टर वेन भी कहने लगते हैं कि लेडी क्लॉरेंस, आपसे जितना हो सकता था आपने सब कुछ किया और आप ही की वजह से अब तक मैजिस्ट्री जिंदा है। मुझे विश्वास है कि राजा आपके इस हेल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होगा। ये सब सुन के हमारी एलिस कहती है कि ठीक है, आप लोग क्राउन प्रिंस लिंडन को बुलाओ और इसके साथ साथ आप लोग एक सर्जरी के लिए भी तैयारी कर लो। एलिस की ये बात सुन के वो दोनों ही चौंक जाते हैं कि क्या सर्जरी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि क्राउन प्रिंस लिंडन को बुला लिया गया है। लिंडन यहाँ पर आके ही पहले उसके पापा के बारे में पूछता है, तो हमारी एलिस उसे बताती है कि यहाँ पर एक मेथड है जो हमारे राजा को बचा सकता है शायद। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि क्यों राजा के साथ ऐसा हुआ, उसने पता कर लिया था कि राजा के साथ क्या परेशानी है। तो वो ये बात उन लोगों को भी बताती है और कहती है कि यहाँ पर एक मेथड है जिससे हम राजा को ठीक कर सकते हैं। फिर वो इस ऑपरेशन के मेथड को भी उन लोगों को समझाती है कि कैसे ऑपरेट करने से मैजिस्टिक को ठीक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक रिस्क है क्योंकि मैजिस्टिक का हालत ऑलरेडी ख़राब है, तो यहाँ पर कुछ गलत भी हो सकता है। ओ नो, तो क्या हमारे राजा मर सकते हैं? प्लीज़ एलिस, तुम राजा को बचा लो, तुम ट्राई करो, तुम कर सकती हो। शायद हमारे प्रिंस मेरी मन की बातों को पढ़ लिया। हमारे प्रिंस भी कहते हैं कि एलिस, तुम इस सर्जरी को परफॉर्म करो। हाँ एलिस, करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर प्रिंस एलिस को कहता है कि एलिस, आई ट्रस्ट यू। लिंडन, तुमने फिर से मेरी मन की बातों को पढ़ लिया। असल में मैं भी कहना चाहती थी कि आई ट्रस्ट यू एज वेल एलिस, यू कैन डू इट, गो गो गो। इसी तरह सर्जरी शुरू भी हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे कि क्या होने वाला है।
हमारी एलिस भी थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि उसे भी इस बात को लेके घबराहट हो रही थी कि वो राजा को बचा पाएगी या नहीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपना बेस्ट देगी, इसलिए वो हर तरह से कोशिश करती है। उसके हाथ भी थोड़ा सा कांप रहे थे कि वो कैसे ये करेगी। वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है और बहुत ही अच्छे से ऑपरेट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऑपरेशन में रिस्क होने की वजह से हमारी एलिस बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। ऐसे ही बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में उन लोगों को असल कल्प्रिट मिल ही जाता है। फिर हमारी एलिस सर्जरी करके उस कल्प्रिट को वहाँ से निकाल लेती है। अब तक हमारे डॉक्टर गुरहम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एलिस क्या कर रही है। आखिर में वो समझ ही जाता है कि यही वो मेन कल्प्रिट है राजा की बीमारी का। इसके बाद हमारी एलिस उन लोगों को एक्सप्लेन करती है कि इसी रीजन की वजह से हमारे राजा को इतने सारे सिम्टम्स भी आ रहे थे और अब ऑपरेशन के बाद अब राजा पूरी तरह से ठीक है, और ये कहते हुए वो रो पड़ती है। इसके बाद वो हाथ धो के जब खिड़की के पास आती है तो वो वहाँ से मिखाइल को गुजरते हुए देखती है। इसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मिखाइल और लिंडन के जो सपोर्टर्स है वो आपस में लड़ते ही रहेंगे, ये चीज़ नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे और मुस्कुराए तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी एलिस ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है और इन लोगों को खुशखबरी देती है कि राजा अब पूरी तरह से ठीक है। ये सुन के तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ओह थैंक गॉड, राजा अब ठीक है। ये न्यूज़ सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सबसे खुशी हमारे लिंडन को हो रहा था। उसी वक्त हमारे एलिस कहता है कि मुझे अब जाना चाहिए। ये सुन के क्रिस कहता है कि क्या तुम सच में अब टेस्ट देने वाली हो? असल में दोस्तों आज ही हमारी एलिस का मेडिकल एग्जामिनेशन है। ये सुन के तो एलिस के फादर भी चौंक जाते हैं कि क्या तुमने कल रात से थोड़ा सा भी नहीं सोया, तुम कैसे जाओगी? ये सुन के एलिस कहती है कि मेरे बारे में चिंता करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना ही होगा। सच में एलिस तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एलिस की बातों से तो सब लोग हैरान थे, लेकिन हमारे डॉक्टर गुरहम को सब कुछ पता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि जाओ रोज, तुम ये कर सकती हो, अपना बेस्ट देना। ये सुन के एलिस भी खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है और हमारे प्रिंस लिंडन एलिस को देखता रह जाता है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, हमारी एलिस का टेस्ट अच्छे से दे पाएगी? उसने तो रात में ठीक से सोया भी नहीं, तो अब क्या होने वाला है? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ये हम जानेंगे अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है इस एनिमे का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो अगले पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों क्या होने वाला है ये हमें जानना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।